हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यहाँ पे इस तरीके से, यू नो, जो सब्सक्राइब का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके, हमारा जो बेल आइकन है इसको दबा करके आप हमारे चैनल का, यू नो, मेंबरशिप आई मीन जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जिसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये लेने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पे मिलेंगे, साथ ही साथ आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो करना क्या है, सब्सक्रिप्शन ले लेने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन वाला बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इग्नू बीकॉम में आना है, और यहाँ पे इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप का जो प्लान है वो आपको परचेज आप यहाँ से कर लोगे। करने के बाद यहाँ पे देखो मोर अबाउट पर्क्स में जाकर के यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, इसको आपने हमें ज्वाइन कर लेना है, और आपको अपना डॉक्यूमेंट शो करना है कि आपने जो है पेमेंट कर दिया है। तो आप हमारे, यू नो, मेंबरशिप में आप इनरोल्ड हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको ढेर सारी, यू नो, बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाएंगे। असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पे मिलेंगे, और 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो भी स्टडी कर रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऑप्शन प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आइए। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट, यू नो, स्क्रीन पर दिख जाएंगी। आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों आपको दिखेगा। जैसा आपको स्टडी करना है आप वन बाय वन करके उसकी स्टडी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से आप एग्जामिनेशन को, यू नो, कर पाएंगे। इसका बेनिफिट ये है। तो चलिए फिर हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा जो टॉपिक है वो है रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एक अच्छा मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन के क्या क्या रिक्विजिट्स होने चाहिए, क्या क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है, इट शुड टेक इन टू कंसिडरेशन द टाइम फैक्टर। जो मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा उस मेथड का सबसे पहला जो, यू नो, क्या बोलूं, रिक्विजिट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि इसको कंसिडर करना चाहिए टाइम फैक्टर को। टाइम जो एक तरीके से कंज्यूम होता है किसी भी काम को करने में, चीजों को करने में, उस चीज को लिए टाइम फैक्टर को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको जो है टाइम फैक्टर को कंसिडर करना है व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ गुड मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। सेकंड नंबर पॉइंट है, इट शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्क डन बाय मैनुअल आवर एंड द वर्क डन बाय मशीन। इसको जो है डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए कि एक व्यक्ति किसी काम को कितने समय में कर रहा है और कोई मशीन उस काम को कितने समय में कर रही है। तो मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन में अच्छा मेथड वही होगा जो कि डिस्टिंक्शन क्रिएट करेगा, डिस्टिंग्विश क्रिएट करेगा बिटवीन द पर्सन हु इज डूइंग हिज वर्क मैनुअली, और उसी काम को अगर मशीन से किया जाए तो क्या डिफरेंस दोनों में आता है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड नंबर पॉइंट है, इट शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्क डन बाय स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, है ना। तो मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन में ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है डिस्टिंक्शन क्रिएट करना पड़ता है ऐसे लोगों में जो कि स्किल्ड है और ऐसे लोगों में जो कि अनस्किल्ड है। तो ऐसे लोगों में आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करना पड़ेगा, डिफरेंस करके समझना होगा, उसको रिकॉर्ड रखना होगा। जब हम एक अच्छे मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता जो है काफी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, द मेथड शुड प्रोवाइड एन इक्विटेबल बेसिस फॉर ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन। अब ये जो मेथड है ये, नो, एक तरीके से इक्विटेबल बेसिस प्रोवाइड करना चाहिए ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन के लिए। इट शुड नॉट कॉज अंडर और एनी ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स टू एनी कॉस्ट सेंटर, है ना। तो जो भी कॉस्ट सेंटर है जहां पे ओवरहेड्स का ऑब्जॉर्प्शन होता है वहां पे जो चीजें हैं वो इक्विटेबल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और वहां पे ना ही ओवर होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो भी दिक्कत है, अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तो दिक्कत है ही, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के लिए, वहां पे वो जो मेथड है ना ही वो अंडर होना चाहिए ना ही वो ओवर एब्जॉर्प्शन वहां पे होना चाहिए, और जो है इक्विटेबल होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, द मेथड शुड नॉट इन्वॉल्व मच क्लेरिकल वर्क एंड शुड बी इकोनॉमिकल इन एप्लीकेशन। जो मेथड है वो उसको बहुत ज्यादा क्लेरिकल वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने काम तो कर रहे हैं साथ ही साथ वो इकोनॉमिकल मैथ में भी घुस गए, क्लेरिकल मैथ में भी घुस गए, तो ऐसे कामों में उनको नहीं घुसना है, ठीक है ना। उनका जो काम है, जो काम सिंपल सा है, उनका एब्जॉर्प्शन का काम है, एक अच्छा मैथड होने का जो ड्यूटीज है जो यहाँ पे बताई जा रही है उनको बस उन चीजों को फॉलो करना है। साथ ही साथ एक अच्छा मैथड उसको कहेंगे जिसका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा इकोनॉमिकल होगा, सस्ता होगा, है ना। तो एक अच्छे एब्जॉर्प्शन मेथड के बारे में जब बात की जाए तो इन पांच मेथड्स को, इन पांच पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ये इनके रिक्विजिट्स हैं। एक अच्छा मेथड उन्हीं को बोलेंगे जिसमें ये पांचों चीजें जो है
इन्वॉल्व होंगी, ये पांचों चीजें जो है एग्जिस्ट करती होंगी, राइट। सो दीज आर द फाइव यू नो रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, छोटा वीडियो था बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको, ताकि उनके भी एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक तरीके से हो सके। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड तैयारी अच्छे से कीजिए, वीडियोज को वॉच कीजिए, आपकी एग्जामिनेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं इनकरेज करना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर में आपको बहुत सारे कोर्सेज कवर करने होंगे, तो उस केस में आपको असाइनमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उस टाइम पे आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आपको जो है हमारे तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।